सद्या नमस्कार। आज की ऐसे एक इम्पोर्टेंट वीडियो में हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ देना चाहता हूँ। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आप लोग एक्सकवेशन का काम शुरू करवाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना पूरा डिटेलिंग देते हैं, जैसे इसका फर्स्ट मार्कआउट हो जाता है। सो मार्कआउट होने के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है वो है डिगिंग का काम। ठीक है, डिगिंग का काम शुरू होने के बाद नेक्स्ट क्या रहता है, आप लोगों को कॉन्ट्रैक्टर जो डिग करते हैं खुदाई करते, देखो उन कॉन्ट्रैक्टर के साथ आप लोग किस तरह से बात कर सकते हैं, मतलब उनके साथ डीलिंग कैसा करना, वो बहुत ज़रूरी है। आज देखिएगा, ये चौथा या फिफ्थ डे है एंड आज जो है ना पूरा काम हो चुका है एक्सकेवेशन का। ओके, इस जो कॉन्ट्रैक्टर हमारे इस प्लेस में ये साइट पर जो काम किए, देखो काफ़ी अच्छा किए एंड सेटिस्फाइड भी है ओनर यहाँ के, और उनके साथ डील कैसे करना। सो इस प्लॉट के लिए ना 12 नंबर ऑफ पिट लगे थे, 12 नंबर ऑफ पिट्स एक्सकेवेशन करना था, प्लस सेपरेट टैंक भी करना था। तो 12 कॉलम बोले तो एक कॉलम को उन्होंने एक गड्ढा खोदने के लिए 2000 रुपये लिए थे, और पिट का साइज़ था 4x4, ऐसा विड्थ में, ऐसा ब्रेड्थ में 4 और डेप्थ में भी 4 था। सो 4x4x4 यानी कि 64 CFT जो है सॉइल निकालने का उनका काम था, ये खोदने को जो है ना 2000 रुपये लिए। अब 12 कॉलम हो गया, फिर उसके बाद आता है सेप्टिक टैंक। ओके, सेप्टिक टैंक के लिए कितना खर्चा आता है, तो उसको क्या करते हैं, एक लमसम में लेते हैं वो लोग। ओके, 12 कॉलम बोले तो 12 × 24 24,000 इसके हो गए। और नेक्स्ट आता ये जो पीछे देख रहे हैं ना सेप्टिक टैंक, इसका जो विड्थ रहता एक्सकेवेशन का बोल रहा हूँ मैं, 6 फीट जो है ना ऐसा विड्थ, लेंथ में जो है ना 13 फीट था, डेप्थ में जो है 5 फीट था। तो इसके लिए उन्होंने लिए थे एक लमसम। सो कुल मिलाकर जो है ना 28,000 रुपये का यहाँ पर बातचीत हो गया था। सो अकॉर्डिंग टू दैट विश जो है ना उन लोग के पैसे कैसे देना, पैसा देखिएगा, पैसा देने का कैसा रहता, स्टेप बाय स्टेप देने का रहता है। फर्स्ट जो है उन्होंने अगर एक कॉलम को हम 2000 बात कर रहे थे ना, सो अगर उन्होंने आज के दिन 9 लोग आए तो उन्होंने क्या करे, एक दिन में 3-3 कॉलम एक्सकेवेट करे। सो जितना कॉलम एक्सकेवेट करते उसके हिसाब से पैसे देना, हो सका तो 500 या 1000 रुपये एक आप खुद रख लेना, मतलब उनको बोल देना कि आप कल आ जाओ, मैं वो पैसे दे देता हूँ। वैसे तो इन लोगों को उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बहुत अच्छा काम करे। सो आज 3 गड्ढा खोदे तो 3 गड्ढे का पैसे दे देना। तो अंत में जो है ना सेप्टिक टैंक खोदे थे, तो टोटल आज जो है ना ये काम हो गया टोटल 28,000 रुपीज़ का इनको हो गया। तो जितना काम कर दे उतना पैसे दे देना, ज़्यादा अगर हम एडवांस में दिए समझो तो फंस जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग भी अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ डीलिंग कर सकते हैं। मैं आपको रिसिप्ट दिखाऊंगा, तो रिसिप्ट में आपको पता चल जाएगा कितना खर्चा हुआ है इन सिर्फ ये डिगर एक्सकेवेशन। फिर उसके बाद आता कॉलम टू कॉलम, ये बीच में पाया खोदने का भी वो काम रहता, ये देख लीजिएगा। सो कुल मिलाकर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये फर्स्ट काम शुरू किए थे उन्होंने 29 डेट को, 29 अक्टूबर 2022, 5,000 लिए। उसके बाद 30 तारीख को जो है 5,000 लिए, मतलब 6 गड्ढा खोद दिए थे, 1,000 ऐसे माइनस कम लिए समझो। फिर 31 डेट को आए और खद खोदे, सो टोटल 15,000 पहुँच गए उनका फीस। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करे, 1 डेट को आए, उधर 3 जन आए थे 2,500 लिए, उसके बाद जाना 2 दिन छुट्टी मारे उन्होंने, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत को चलते रहता अपसेंट वो सब। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आए 5,000 लिए, नेक्स्ट डे आज जो है ना 5 तारीख है, आज जो है ना उन्होंने 5,000 लिया। सो टोटल लगभग 28,000 रुपये इनका जो है कॉस्टिंग हो गया था और पूरा फुल पेमेंट हो गया समझ लीजिएगा। तो इस तरह से जो है इनका पैसा पेमेंट वो सब था एंड काम भी नीट करें, ऐसा नहीं है कि। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो है सेंटरिंग वाले, अगर आप लोगों को सेंटरिंग वाले एक अच्छा मिल गए समझो, सो बाकी का काम छोड़ता। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉलम का पिट का साइज़ कितना रहना चाहिए, फुटिंग और सेपरेट टैंक के लिए कितना जगह देना चाहिए, वो अगले वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद, इसी तरह से बने रहिएगा हमारे इस एक सीरीज़ में बना रहा हूँ, पूरा हर एक वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सभी वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे हमारे इस चैनल। सो अगर आपको स्पीड लैब्स यानी कि
शुरू से लेके अंत तक, कौन से भी, चाहे वो कॉलम का बांधने का हो, कॉलम फुटिंग हो, पीसीसी बेड हो, जो भी हो, वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका नाम है ऑसम हाउस कंस्ट्रक्शन बोल के चैनल का नाम है, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेगा। ओके, इसके साथ वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करूँगा एंड एक बार मैं दिखाता हूँ सारे पिट्स, तो पिट्स दिखाने के बाद नेक्स्ट एंड कर दूँगा। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पूरे से ये जो है सेप्टिक टैंक के लिए खुदाई की है, ये जो है ना कॉलम पिट्स है, यहाँ पर पूरा देख लीजिएगा आप लोग, कॉलम पिट्स है। सो टोटली एक्सकेवेशन का काम जो है 28,000 है। उनको और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बोलना, ये बीच में मट्टी नहीं डालना, वो आप साइड में डाल दे, ऊपर को बोलना जितना हो सके उतना, बिकॉज वो लोगों को भी काफ़ी थक जाते हैं, बट आपका एक रुपये पैसा नहीं छोड़ते। देखो वो भी एक ध्यान रख लीजिएगा, उन लोग एक रुपये आपका पैसा नहीं छोड़ते, सब पैसा देना ही पड़ता है उन लोगों को। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।